खाना जी, सबसे पहले तो ये कि आप पंजाब से मुंबई आई हैं, क्या खास इसी वजह से यहाँ पे? सबसे पहले कैमरा लुक दर्शन करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो है मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को मैं उनके साथ बहुत सालों से जुड़ी हूँ। हमेशा माता जी के लिए कोई भी फंक्शन ये सेकंड टर्म है जब आप पंजाब से मुंबई आई हैं, तो इस बार आने की खास वजह? खास वजह मुंबई में एक मेरा म्यूजिक हिंदी एल्बम जो 26 को शूट होने वाला है, उसी की वजह से। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि कितना बदल गया है मुंबई, या वैसे ही है कोरोना से पहले वाला मुंबई? नो, मुंबई बहुत डेवलपमेंट हुआ है और मुंबई बहुत अच्छा बन गया है। अच्छा गुरु जी, आप बताइए कि आई हैं सानिया जी आपके यहाँ, सानिया जी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा हुआ है हमको। हम दिल से उनको चाहते थे कि वो आए हमारे पास, और हमारे ट्रांसजेंडर लोगों का उनके पीछे हर टाइम दुआ बना रहेगा। जी जी खाना जी, बहुत कम होता है कि ऐसे कम्युनिटी को जो है बहुत कम लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं, आप आई हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल मोमेंट है? देखो, मैं हर इंसान के लिए एक ही बात कहूँगी कि हर एक ही इंसान है, एक ही प्लेनेट है, एक ही सोलर, तो कोई इसमें भेदभाव ना करे। दुनिया पे अगर आए हैं तो इंसान ही है,
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, भेदभाव करने की कोई बात भी नहीं है और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट लेकिन मुझे अच्छा लगता है बस। एंड थैंक यू, इतना सम्मान दिया आपको, इतनी अच्छी पूजा हुई, गुरु जी से आशीर्वाद मिला, तो कुछ और आपका वर्क वगैरह से रिलेटेड कुछ गुरुजी से मांगा, कुछ आशीर्वाद लिया आपने? इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और दुआ करूँगी भी मुझे आशीर्वाद देते रहें और हमेशा मेरे बेटी दुआ पंजाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके वर्क से रिलेटेड अगर बात करें तो पंजाब में आपने कितना काम किया हुआ है? पंजाब में मैंने 100 म्यूजिक एल्बम शूट किए हैं जो ऑन टीवी स्क्रीनिंग पे भी चले, काफ़ी रहे हैं जो मिस हो जाता है एल्बम का, और हनी सिंह का यार का, और कुछ और पाइपलाइन में है आपके प्रोजेक्ट अगर? हाँ जी, अभी हिंदी मूवी आई है, मैं उसके बारे में कौन सी नई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच आप सबको यहाँ आने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू।